प्रदेश में लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार का अभियान निरंतर जारी है। इसी को लेकर आज मनासा में मंदसौर नाके स्थित दीपश्री टी चाय की दुकान पर खाद्य विभाग ने देर शाम को कार्यवाही की और चाय पत्ती के सैंपल भी लिए। जिला खाद्य विभाग के अधिकारी संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान संचालक द्वारा दार्जिलिंग असम कोलकाता के 25 से 30 किलो के पैकिंग चाय पत्ती मंगवाई जाती है। दीपश्री टी शॉप पर अनुराजा गोल्ड चाय के नाम से भी पैकिंग मार्केट में बेची जा रही है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि कोलकाता असम व दार्जिलिंग से आ रही चाय पर कहीं कलर की मिलावट तो नहीं की जा रही, इसी को लेकर यहां से अलग अलग चाय के सैंपल लिए गए। अब उन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। मनासा से मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। इसके संबंध में क्या कुछ बताएंगे? आज मनासा में यहाँ पे चाय की रीपैकिंग की एक फर्म है जिनका नाम है दीपश्री टी कंपनी। इनके यहाँ पे आज जांच की गई है। ये दार्जिलिंग, आसाम और कोलकाता अलग अलग जगहों से जो है चाय के बागानों से चाय खरीदते हैं कंपनियों से, और उसकी ब्लेंडिंग करके रीपैकिंग यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे देखने में तीन चार चीज़ें पाई गई कि अलग अलग क्वालिटी की जो चाय है उसमें बड़े दाने, बारीक दाने और मीडियम, और उनके अंदर कुछ सूखी हुई पत्तियों को मिलाया जाता है और वो भी वहाँ से ही मंगाई गई है, दार्जिलिंग, कोलकाता, अलग अलग जगह से। तो इसी की जांच के लिए कि ऐसा नहीं हो कि निम्न स्तर की क्वालिटी और इनके ऊपर भी चाय के ऊपर वहीं से कहीं कलर होकर आ रहा हो, क्योंकि चाय के अंदर जो एक कलर आता है ब्राउनिश कलर, वो उसमें बहुत सारी कंपनियां इस तरीके का खिलवाड़ भी करती हैं कि उसके अंदर कलर की मिक्सिंग की जाती है जिससे चाय के अंदर जो है काला रंग आ सके। इसी की जांच करने के लिए जो है आज यहाँ पे नमूने लिए गए हैं कि चाहे मनासा हो चाहे नीमच हो, जहाँ पे भी चाय बिकती हो वो सही तरीके की हो और उसमें किसी प्रकार की भी मिलावट हो। इनके द्वारा जो है उसका नाम है अनुराजा गोल्ड चाय, एक नमूना उसका लिया गया है। और जो सूखी पत्तियाँ ये मिला रहे थे उन सूखी पत्तियों का भी एक नमूना लिया गया है, उसका नाम है APJT। वो भी एक 18 किलो के होलसेल पैक के अंदर वहाँ से आया हुआ है, और जिसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। इसका भी नमूना लिया है, हालांकि है ये चाय की सूखी हुई पत्तियाँ, लेकिन कहीं इनके ऊपर भी सुखाने के बाद ना कलर तो नहीं दिया जा रहा है वहीं से। इसकी जांच करने के लिए जो है हमने यहाँ से लिए फर्म के प्रोपराइटर के यहाँ से आज दो नमूने जाँच के लिए लिए गए हैं और इसको कल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल के लिए भेजा। सर, चाय को लेकर जिले में संभवतः पहली कार्रवाई है, किससे पहले? इसके पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और अभी लगातार जो है फर्मों की जांच की जा रही है। नीमच जिले के अंदर चाय से प्रमुख दूसरी चीज़ों में मिलावट ज़्यादा देखी जा रही थी, इसलिए प्रमुख तौर पर वहाँ पे भी स्टार्ट किए हैं और समय समय पे चाय के नमूने चाहे नीमच हों चाहे दूसरे स्थान हो सभी जगह से लिए जाते हैं। लेकिन मनासा में हालांकि पहली बार आज देखने में आया कि यहाँ पे भी कोई रीपैकिंग काम चल रहा है चाय का, उसको जाँच करने के लिए यहाँ से आज नमूने लिए गए।